हेलो रिवन कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे से होंगे मेरे बच्चे आज के इस लेक्चर में हम पॉलिनोमल चैप्टर के सेवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे राइट तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फोर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट थ्री करवाने वाला हूँ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं थोड़े से टेक्निकल है थोड़ा ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको करवा चुका हूँ वो भी ज़रूर देख लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ रीड इट द क्वेश्चन नंबर वन इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमिल वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमिल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड ए सिंपल सी स्टेटमेंट है कि इस पॉलिनोमिल के जो दो जीरोज हैं वो आपस में रेसिप्रोकल है अगर आप एक जीरो को अल्फा लेते हो तो दूसरा वन बाय अल्फा लेना होगा ठीक है बस ये कंडीशन है इसी कंडीशन के बेसिस पे आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पर सबसे पहले आप ज़ीरो सेलेक्ट करो फिर देखते हैं हम सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरो कौन सा अप्लाई करें वो हम यहां पे सोच लेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू राइट द पॉलिन ठीक है तो उसके बाद जीरो सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमिल है दैट इज़ ए स्केयर प्लस नाइन एक्स स्केयर थर्टीन एक्स प्लस सिक्स ए अब आप इस पॉलिनोमिल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे पोलोमल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वालिटी पॉलोमल की यहाँ मैंने कैपिटल ए बी सी रख लिया एज ए नॉर्मली स्मॉल ए बी सी हम लेते हैं कैपिटल क्यों रखा क्योंकि ऑलरेडी यार ए यहाँ पर किसी की वैल्यू है तो इसलिए यहाँ भी अगर आप ए रख लेते तो कन्फ्यूजन हो सकती है कौन सा ए है तो इसलिए अगर ऑलरेडी यहाँ पोलमेल में ए बी सी कुछ हों टर्म्स ऐसी तो भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला होता है उसमें कैपिटल लेटर्स यूज कर लिया करो तो जैसे हमने कंपेयर किया यहाँ से हमें ए मिला एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए स्केयर प्लस नाइन बी जो कि एक्स का कोफिशेंट इज थर्टीन और सी जो कि कॉन्स्टेंट दैट इज सिक्स ए ठीक है ये तो पॉलोम से हमारे पास ए बी सी आ गया अब हमें जो कंडीशन दे रखी है कि जो इसके रूट uh, है दे आर रेसीप्रोकल ऑफ अदर तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे लेट करेंगे एल्फा एंड वन बाई एल्फा आर इट्स टू जीरो ठीक है ये दो जीरोज आपने इसके लेट कर लिए अब आप मेरे को एक चीज बताओ अगर किसी फॉलोमल के इस तरह के दो जीरोज़ हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएं कि सिंप्लीफिकेशन बड़े आसानी से हो जाए सम ऑफ जीरोज़ लगाएं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लगाएं अगर मैं सम ऑफ जीरोज लगाता हूं ठीक है ये दो जीरो जो मेरे पास हैं अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो अल्फ़ा प्लस वन बाई अल्फा आएगा कुछ भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन ये दोनों आपस में नहीं ले रहे इवन के ये और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देंगे सम लेने से क्योंकि अल्फा और वन बाई अल्फ़ा को जो मैं प्लस करूंगा ये दोनों एक क्वाड्रेटिक की तरफ चले जाएंगे तो इट इज बेटर कि अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज़ करूं तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यार एक दूसरे के रैसी ब्रोकर लाइए तो कैंसिल होकर ये सिंप्लीफिकेशन क्या देंगे वन और दूसरी तरफ जो कोफिशेंट का फॉर्मूला वो लगा लेंगे तो यहां पर इस कंडीशन पर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यूज करना है ठीक है ये ध्यान रखें तो हेयर यू जस्ट राइट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो इसका कोफिशेंट का फॉर्मूला है दैट इज सी बाय ए ठीक है यहाँ लेफ्ट साइड में इनका एक्चुअली प्रोडक्ट कर दीजिए एक अल्फ़ा है दूसरा वन बाय अल्फा यहाँ पर सी और ए का वैल्यू डाल दो जो हमने यहाँ से पहले निकाल रखा है तो सी है हमारा सिक्स ए और कैपिटल ए ऑफ कोप्शन डेयर वो है ए स्केयर प्लस नाइन ठीक है अब देखो प्रोडक्ट यूज़ किया ना यहाँ पर अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा जो मेन टारगेट ए को फाइंड करना है वो अपने आप यहाँ से निकल जाएगा तो मेरे बच्चे यहाँ पर हमारे पास वन बच रहा है सिक्स ए अपॉन ए स्केयर प्लस नाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको ए स्केयर प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्स ए ए स्केयर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलमल बन गया जिसका मिडिल टर्म ब्रेक करके आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ये आइडेंटिटी बन चुकी है तो मिडिल टर्म ब्रेक करो या फिर आइडेंटिटी से कर लो आपकी इच्छा है इट इज़ टू ए बी तो मैंने इसको आइडेंटिटी जैसा बना दिया तो इट इज ए माइनस बी का होल स्केयर स्केयर चला जाएगा जीरो से तो ए माइनस थ्री जीरो सो वट इज एज थ्री सिंपल क्वेश्चन है कोई डिफिकल्ट नहीं है कंडीशन को पहचानना है कि रेसिप्रोकल थे जीरोस उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज कर लिया ठीक है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन अब देखें क्वेश्चन नंबर टू बीटा आर जीरोस ऑफ दिस फॉलिनोमिल प्रूव दैट ये एक्सप्रेशन तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह की कुछ एक्सप्रेशन देख के घबरा जाते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे मेरे बच्चे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं इनमें कोई डिफिकल्टी एसच नहीं होती है यहाँ पर आप इस पॉलिनोमिल को सबसे पहले इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो पहले एक्स स्केयर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर इस पॉलिनोम थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कैसे बनाएंगे ये आपके पास एक्सकेर आ गया इसको कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर क्या है इस p को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो जो माइनस पी यहां से आएगा वो इस c के साथ लिखा जाएगा और वो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा यानी वो c बनेगा हमारे लिए देखते जाओ देखो जैसे मैं p को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आ गया माइनस पी एक्स ठीक है माइनस पी एक्स फिर इस माइनस पी को हमने वन से किया तो ये हो गया माइनस पी और लास्ट में हमारा क्या है माइनस सी बस आपको यहां पर ये ब्रैकेट ओपन करना था अब जब आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आपके पास जो एक्स का कोफिशेंट है वो ए हो जाएगा यहां पर ये बी हो गया और ये पूरे दोनों टर्म जो मिलकर है सी दे रही है इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो कैपिटल में ए बी सी रख लो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले का तो ए आपका वन हो गया बी आपका माइनस पी और जो सी है कैपिटल सी ठीक है कॉन्स्टेंट टर्म जिसे आप बोलते हो ये दोनों मिलकर कॉन्स्टेंट बना रहे हैं यानी माइनस पी माइनस सी इज द कांस्टेंट टर्म क्लियर है तो इसमें तो पहले ये था प्रॉब्लम पी वाला तो वो हमने यहां पे एडजस्ट कर लिया अब यहां पर हमें ये प्रूव करना है और एज सच कोई कंडीशन हमें पता नहीं है अल्फा बीटा इसके जीरोज है तो ये प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना इसका लेफ्ट साइड उठाओ सिंप्लीफाई करो देखो यार यहां पर ये अल्फा बीटा जीरोस वगैरह है ये क्या रिलेशन दे रहे हैं क्या उससे मैं कुछ सम प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं तो वही हमें देखना पड़ेगा यू जस्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन लेफ्ट साइड इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यानी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो यहां पर देखो अल्फ़ा बीटा इसको अंदर मल्टीप्लाई किया अल्फा फिर वन के साथ किया बीटा फिर वन के साथ किया वन आ गया तो जैसे ही मैंने इन दोनों का ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया तो मेरे को यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया सर अल्फा बीटा ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन गया सर अल्फा प्लस बीटा ये तो सम ऑफ जीरोस बन रहा है तो बात ही बन गई हमारी तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सर ये होता है C A. क्या है है सम ऑफ जीरोस का सर ये होता माइनस बी बाय ए बस अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए वैल्यू डाल दीजिए बताइए सी कैपिटल सी जो हमने यहां फाइंड किया था कॉन्स्टेंट टर्म वो है माइनस पी माइनस सी ए कोफिशंट ऑफ एक्श के वो है वन फिर आपके पास आ गया ए फिर से ए A, A कौन है सर ए हमारा है वन ठीक है सॉरी इट इज माइनस बी बाई ए आई एम सॉरी माइनस बी बाई ए माइनस ठीक है और बी कितना है माइनस पी ये प्लस पी हो जाएगा एंड ए इज वन प्लस वन सिंप्लीफाई करो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन अरे वाह पी पी तो कैंसिल हो गया तो यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर एक वन बच रहा है प्लस का और एक सी बच रहा है माइनस का क्या यही है राइट हैंड साइड वन माइनस सी बिल्कुल सर वन माइनस सी कितना सिंपल है <laughs> कुछ नहीं करना है लेफ्ट साइड को बस आपने सिंप्लीफाई किया है राइट चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री भी बच्चे बहुत ज़्यादा सिंपल है बस इसमें जो स्टेटमेंट लिख रखा है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मतलब क्या है क्या बनेगा रिलेशन देखो क्या लिखा है फ द स्केयर्ड डिफरेंस स्केयर्ड डिफरेंस ऐसी टर्म पहले कभी आई नहीं है ना सम ऑफ जीरोज सम ऑफ ऑफ जीरो ऐसा कुछ लिखा होता है यहां क्या टर्म डाल दी उसने स्केयर्ड जीरोज स्के पॉलिन इज वन फोर्टी फोर तो यहां पर इसके तो पहले जीरोज में लेट कर लेता हूं लेट एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमल जो भी दे रखा है पोलोमल एक्स स्क् प्लस पी एक्स प्लस फोर्टी फाइव ठीक है अल्फाबेटा इसके जीरो ले लिए अब मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट लिखी है इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है सामने दिख रहा है स्केयड डिफरेंस स्केर्ड डिफरेंस यानी जो डिफरेंस है उसका स्केयर हो रखा है जो जीरोस का डिफरेंस है उसका स्केयर हो रखा है तो इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है इस तरह से लिखना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर स्केयर्ड स्केयर्ड हो रखा है किसका डिफरेंस का दैट्स ऑल तो ये किसके इक्वल दे रखा है 144 आता समझ तो इस स्टेटमेंट से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सिंपल सी स्टेटमेंट है हमने बना लिया अब यहां से हम जो है p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर को कैसे कन्वर्ट करते हैं सम प्रोडक्ट में सिखा रखा है मैंने आपको ठीक है तो देखिए यहां पर इसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस फोर एल्फा बीटा इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर आगे हम सम प्रोडक्ट में ठीक है इसका यह आइडेंटिटी रहता है ठीक है सम प्रोडक्ट में चेंज करने का व्हाट इज सम ऑफ जीरोस थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं दैट यू कैन मैनेज माइनस बी बाय ए तो माइनस बी बाय ए जब इसका हम करेंगे तो ये मेरे पास आएगा माइनस पी का स्क्वायर फोर एल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए फोर्टी फाइव बाई वन दैट इज़ फोर्टी फाइव इज ईक्ल टू वन फोर्टी फोर दैट बस अब इसको सिंप्लीफाई करो इसका आपके पास आ गया पी स्केर इसको इधर ले जाओ वन फोर्टी फोर प्लस फोर इंटू फोर्टी फाइव पी स्केयर इसको सिंप्लीफाई कर लो टोटल कितना बैठ रहा है ये फोर फाइव ज ट्वेंटी टू कैरी फोर फोर जिक्सटी इंटू वन एटी पी स्केयर इज इक्वल टू प्लस करो इसको ये आ गया फोर एट एंड फोर ट्वेल्व वन थ्री थ्री ट्वेंटी फोर आ रहा है तो थ्री ट्वेंटी फोर क्या परफेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट है किसका है ये एटीन का तो माइनस एटीन का स्केयर हो या फिर एटीन का स्केयर हो होता तो थ्री ट्वेंटी फोर ही है तो इसलिए प्लस माइनस का ऑप्शन लेना है या फिर इधर रूट लगा दीजिए तो प्लस माइनस साथ में लिख लेना जो पहले भी मैंने आपको बता रखा है तो जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी प्लस माइनस एटीन दैट्स ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये भी काफ़ी सिंपल है बस इस एक्सप्रेशन को हमने फाइंड करना है एक लेक्चर जो पीछे हुआ है हमारा उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएं तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं इस पोलोमिल के तो दैट यू हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं करूँगा ठीक है मेरे बच्चे ये जो वन बाय अल्फा वन बाय बीटा दे रखा है आपको इसका वैल्यू निकालना है तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से कन्वर्ट करो कि सम प्रोडक्ट में हो जाए ताकि सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू में यहाँ डाल पाऊँ देखो पहले इसका एल्सियम ले लिया ये बीटा इधर चला गया अल्फ़ा यहाँ पर आ गया नीचे तो प्रोडक्ट बन गया लेकिन ऊपर डिफरेंस आ गया लेकिन डिफरेंस को कैसे चेंज करना है सम प्रोडक्ट में वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया और यहाँ भी आपको पता चल रही रहा है कि डिफरेंस को कैसे हम चेंज कर रहे हैं अगर आपको बीटा माइनस अल्फ़ा में कन्फ्यूज़न हो कि सर हम अल्फा पहले लिखेंगे तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है तो लो माइनस ले लो कॉमन पीछे बचा अल्फा माइनस बीटा अब ठीक है अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ जो जिसमें मैंने टेन क्वेश्चन करवाए ना अल्फा बीटा वाले सिमेट्रिक फंक्शंस वाले उसमें ये क्वेश्चन कवर हो चुके हैं फिर भी ये सामने आ गया तो इसको देख कैसे करना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर क्या होता है ये लिखा भी अभी वो लिखना है इसको क्या होता है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस फोर अल्फा बीटा ठीक है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर ये क्या है सम ऑफ जीरोज तो ये जो क्वाडिटी का इसके साम ऑफ जीरोज निकालोगे जब आप माइनस बी बाई ए के फॉर्मूले से तो आएगा माइनस वन तो यहां पर आपको लिखना है माइनस वन का स्क्वायर देन माइनस फोर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे सी बाय ए के फॉर्मूले से तो सी हमारा माइनस वन है ए वन है तो माइनस वन ही आएगा तो माइनस वन सिंप्लीफाई किया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपके पास बन रहा है वन प्लस फोर दैट इज फाइव तो यहां से अल्फा माइनस बीटा आएगा प्लस माइनस रूट फाइव ठीक है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने सेपरेटली यहाँ निकाल के बता दी ये फेयर वर्क है रफ़ नहीं है ये आपने प्रॉपर रीजन दे देना कि अल्फ़ा माइनस बीटा की हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं अब जो अल्फ़ा माइनस बीटा आया वो आप यहाँ डाल दीजिए प्लस माइनस रूट फाइव और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जो कि सी बाई के फार्मूले से निकाला है माइनस वन देट सॉरी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस रूट फाइव आंसर आता समझ हो गया आपके फोर क्वेश्चंस अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन जो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन हैं वो आपके एक्सरसाइज टू पॉइंट टू है ना जो एनसीआर में उसमें जो क्वेश्चन नंबर टू है वो किस टॉपिक से रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू वो रिलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोबिल तो अभी जो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन करवा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोम देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखा है कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमिल ठीक alpha, है अल्फ़ा बीटा किसी पॉलिनोमिल के जीरोज है सच दैट कुछ कंडीशन हमें दे रखा है कि इन जीरोज़ का जो सम है दैट इज गिवन जीरोज इज़ गिवन ट्वेंटी फोर और साथ में हमें अल्फ़ा माइनस बीटा दिया एट यानी डिफरेंस ऑफ जीरोज इज़ ऑल्सो गिवन दैट इज एट फिर कह रहा हैं फाइंड क्वॉडिटिक पॉलोमल मेरे बच्चे इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्वालिटिक पॉलोमल को ही फाइंड करना है अब यहाँ पर क्वालिटिक पॉलोमल जो आपको फाइंड करना उसके लिए एक छोटा सा मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है अब वो फॉर्मूला आपने नहीं बोलना है वो फॉमूला यहीं पे काम आने वाला है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ देखो आपको क्या फार्मूला मैंने सिखा रखा है पोलम्बल फॉर्मेशन का के लिखना है के रियल नंबर फिर आपको लिखना है क्या एक्स स्क्वेयर माइनस एस।, एस एस बोले तो सम ऑफ ज़ीरो एक्स देन पी पी बोले तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा तीनों क्वेश्चन में ठीक है तो इसका मतलब कभी भी हमें बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलोमल तो जिस पॉलोमल को आपको फाइंड करना है उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट चाहिए उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर वन में जो उसके जीरोस हैं अल्फा बीटा अरे उसका सम तो गिवन है ट्वेंटी फोर तो भाई एस की बात तो बन गई एस तो गिवन है ट्वेंटी फोर यहाँ पर ट्वेंटी फोर आ जाएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा बीटा का हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो यहां पर गिवन नहीं है बस इसमें एक ही काम करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने तो अल्फा माइनस बीटा ये जो हमें दे रखा है ये हमारी हेल्प करेगा अल्फा बीटा को ढूंढने में और उसमें इसका भी यूज होगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन कैसे हम सॉल्व करेंगे वेरी सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अल्फा माइनस बीटा गिवन है ना डिफरेंस उसको रखो आप एट के इक्वल अब यहां से प्रोडक्ट कैसे ढूंढने अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया ना इसका स्केयरिंग कर लो स्केरिंग किया 64 हो गया तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर जैसे कि हमने बना लिया और इसकी आइडेंटिटी हमें आती है अभी आया भी आपके सामने तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्केर माइनस फोर अल्फा बीटा देखो इसको इस तरह से लिख लिया देखो प्रोडक्ट आ गया और अगर सम भी आ रहा है सम की कोई दिक्कत नहीं सम तो हमें गिवन है ट्वेंटी फोर तो सम हमें जो गिवन है ट्वेंटी फोर इसको हम ऐसे लिख लेंगे और प्रोडक्ट जो कि हमें गिवन नहीं है वो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे बस इतनी सी टेक्निक थी इसके अंदर अब यहाँ से प्रोडक्ट बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ कैलकुलेशन बहुत से बच्चे यहाँ ट्वेंटी फ़ोर का स्क्वायर करेंगे हो सकता है उनका टाइम ज़्यादा लगे ट्वेंटी फोर का स्क्वायर को ढूंढने में या फिर सिली मिस्टेक से या कोई गलती से आप इसका स्क्वायर गलत कैलकुलेट कर ले तो एक तरीका मैं और बताता हूँ मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे सुनो यह है ट्वेंटी फोर मैं इसको दो बार लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिख लिया हमने क्योंकि उसका स्केयर था ऐसे लिख लिया अब मेरे बच्चे यहाँ क्या लिखा है फोर तो यहाँ है ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर तो क्या इन दोनों में फोर हम कॉमन ही ले सकते बिल्कुल ले सकते यार फोर कॉमन ले लो सिक्सटी फोर को कैंसिल करो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस आपको कॉमन लेना है और ये कॉमन लेने वाली चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी जब आप सरफेस एरिया वॉल्यूम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे उसमें आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ती है कॉमन लेके किसी को कैंसिल करना तो यहां पर मैं फोर कॉमन ले रहा हूं तो जैसे मैंने यहां पर फोर कॉमन लिया देखो यहां पर सिक्स बचा ये एक ट्वेंटी फोर ऐसे ही रहेगा तो ये आ गया आपका बीटा अब ये फोर सिक्सटी फोर के डिवाइड में आ जाएगा और सिक्स को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करने में भी आसान काम हो गया बड़े मजे से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मेरे बच्चे सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर फोर सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर फोर टू कैरी सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व एंड टू फोरटीन हो गया ना आराम से मल्टीप्लिकेशन माइनस अल्फा बीटा और ये है सिक्सटी फोर वो जो फोर कॉमन लिया था वो इसके डिवाइड में चल जाएगा तो इसको भी आप बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हो यह आ गया आपका सिक्सटीन ठीक है तो वन फोर्टी फोर सिक्सटीन इधर आ गया अल्फा बीटा को वहां ले जाओ प्लस का 144 में से 16 को आप माइनस कर दो 14 में से 6 सर जी 8 आ गया 14 में से 6 8 सर 3 में से वन तो ये आ गया आपके पास 128 ट्वेंटी एट इज इक्वल टू एल्व बीटा तो देखो किस तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हमें गिवन नहीं था उसको फाइंड कर लिया तो sum is already given, product हमने तो सम इज ऑलरेडी गिवन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया अब बताइए जो पॉलमेल आपको बनाना है उसका फॉर्मूला सर के एक्स स्क् माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है पी लिखो या अल्फ़ा बीटा लिख लो कोई दिक्कत नहीं चलिए बताइए मेरे को यहाँ पे सम कितना है सर वो तो गिवन था दैट इज 24। प्रोडक्ट कितना है सर अभी फाइंड किया 128। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोब देखें क्वेश्चन नंबर सिक्सथ ये भी बहुत सिंपल है बस कई बार इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सिंपल वे में आपको मैं यहां पे समझाने वाला हूं फाइंड अ क्वालिटिक आर नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोम सिंपल सी स्टेटमेंट है जो पॉलोमल आपको फाइंड करना है ना उसके जो दो जीरोज हैं वो इस गिवन पॉलिनोमल के जीरोज के नेगेटिव है लेट अस सपोज इस गिवन पॉलिन के जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमल है उसके जीरोज क्या होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा बस ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में ठीक है तो यहां पर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो सोल्यूशन लिखेंगे हम जीरोज ही लेट कर लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ व्हाट गिवन पोलिनोम जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमिल और वो क्या है पी एक्स स्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर गिवन पॉलमल के जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा अगर गिवन के ये जीरोज हैं तो रिक्वायर्ड के क्या हुए देयर फोर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिन तो रिक्वायर्ड पॉलमल के जीरोज क्या होंगे माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा बस जो स्टेटमेंट में लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आगे रिक्वायर्ड के जीरोज ठीक है नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलोमल अब यहां पर जो पॉलमल आपको फाइंड करना है आपको उसके जीरोस का सम प्रोडक्ट चाहिए होता है तो इसका सम प्रोडक्ट कर लेंगे बहुत सिंपल है इसका जो सम प्रोडक्ट आएगा वो इसका सम प्रोडक्ट हमारी हेल्प करेगा उसकी वैल्यू को ढूंढने में देखो कैसे मेरे बच्चे नाउ किसके जीरोस का सम कर रहे हो किसके जीरोस का सम कर रहे हो रिक्वायर्ड पॉलिनोम के जीरोस का सम करने सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ रिक्वायर्ड polynomial, ठीक है रिक्वायर्ड जरूर लिखा करो क्योंकि कुछ गिवन भी होता है ना कन्फ्यूज़न ना हो कि किसके जीरोज़ को आप प्लस कर रहे हो गिवन पॉलमल के जीरोज़ को प्लस कर रहे हो या रिक्वायर्ड के कर रहे हो ठीक है तो इसलिए ये वर्ड यूज़ कर लिया करो सम ऑफ जीरोज रिक्वायर्ड polynomial, तो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा तो जब मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से बन रहा है क्या माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया जो गिवन पोलिनोम है उसके यहां पे प्लस हो रहे तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमने गिवन पॉलिम से फाइंड कर लेनी तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस का B A. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इसका लेना है माइनस बी बायेगा माइनस क्यू बाय है पी तो कुल मिलाकर आपके पास आ गया क्यू बाय पी इज इट क्लियर रिक्वायर्ड का सम किया जो रिलेशन यहां पर बना वो गिवन पॉलिन का ही जीरोज का सम बन गया एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो ये यहां से देख लिया और टोटल कैलकुलेट कर लिया अब सेम आपने प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोम तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ये तो अल्फा बीटा ही बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर जो प्रोडक्ट आया ये तो जो गिवन थे जीरोस गिवन पॉलमल के जो जीरो थे उन्हीं का तो प्रोडक्ट आ गया सेम ही आ गया तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए कौन है सी आर कौन है ए पी दैट सॉल्व इज इट क्लियर तो हमें यही तो चाहिए था सम प्रोडक्ट निकाल लिया अब अब लिखो रिक्वायर्ड पॉलमिल रिक्वायर्ड पॉलमिल फॉर्मुला आपको बता रखा है याद आपको के लिखो एक्स माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट मैं यहां पर एस और पी लिख रहा हूं आपने एग्जाम में क्या लिखना है एस की जगह सम ऑफ जीरोज पी की जगह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज ठीक है चलिए डेलो वैल्यूज यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस सम सम कितना है सर ये तो निकाल रखा है क्यू बाई पी प्लस प्रोडक्ट कितना है आर बाई पी थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर पी आप एलसीएम ले सकते हैं एक्स स्क्र के नीचे वन है ये पी इसके साथ आ जाएगा पी एक्स स्क्वेयर ठीक है और यहां पर एज इट इज रहेगा माइनस क्यू एक्स प्लस आर तो के और पी इसको आप लिख सकते हो सिंपली पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर तो ये कहाँ चला गया के और पी कहाँ चला गया आपने सिंपली यहाँ पर ये लिख देना है फॉर के इज इक्वल टू पी तो अगर मैं के का वैल्यू पी लेता हूँ तो ये पी पी कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉलम्बल निकल के सामने आ जाएगा तो हमने एक पर्टिकुलर पॉलमल यहाँ पर निकाल के रख दिया अगर आप इसको ए को या पी को नहीं हटाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं इसे पी को के के नीचे लिख दो बस और के इज़ अ रियल नंबर बस ये वैल्यू डाल दो ठीक तो अच्छा है तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड पॉलम्बल अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन्थ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इजी ठीक है देखो यहां पर क्या है अल्फ़ाबीटा इस पोल्बल के जीरोज़ हैं ठीक है ठीके? बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम क्लियर है इस पोलॉम्बल के जो जीरोज़ हैं वो अल्फ़ाबीटा है हमको क्या करना है फाइंड अ क्वारिटिक पॉलिमल हमको एक कॉर्डिटिक पॉलिमल फाइंड करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स में किया हमने एक क्वारेटिक फाइंड करना है और उसके जीरोस कैसे है? ये हैं दो उसके जीरोस तो आपको जो पॉलिमल फाइंड करना है जो पॉलिमल आपको फाइंड करना है आपको उसके जीरोस को सम प्रोडक्ट करना है यानी इन दोनों का सम चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए बट जब आप इन दोनों का सम कर रहे होंगे या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे होंगे वहां पर इनका सम और प्रोडक्ट एक्चुअली फाइंड करने के लिए इसके जीरोस का सम प्रोडक्ट की हेल्प लेनी पड़ती इसलिए आपको एक अलग से पॉलम्बल दे दिया जाता है उसके जीरोस भी आपको बता दिए जाते हैं और जो आपको पॉलम्बल फाइंड करना होता है उसके जीरोज बड़े टेढ़े मेढे टाइप होते हैं इसके सम प्रोडक्ट को निकालने के लिए

ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तो मेरा जो ए है वन मिलेगा बी है ही नहीं इसका ज़ीरो मिलेगा सी इसका माइनस वन मिलेगा ठीक है नाउ इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल रहा हूँ क्या फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए तो माइनस बी बाय ए तो बी कितना था इसका जीरो था ए कितना है वन ये तो ज़ीरो आ गया इसके ज़ीरोज़ का जो सब है वो ज़ीरो है प्रोडक्ट फॉर्मूला सी बाय सी कितना है इसका सर माइनस वन ए कितना है इतना सर वन इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो वन तो यहां पर हमने सम और यहां पे प्रोडक्ट निकाल लिया तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा क्योंकि यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इन बीटा हमारे काम आएगा जब हम इन दोनों जीरोस को साम और प्रोडक्ट कर रहे होंगे अब यहां पर बारी आती है रिक्वायर्ड पॉलमल के जीरोस की अब आपको यहां पर लिखना है नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनमल तो भाई ये दो जीरोज को आप प्लस करो तो वट इज दैट टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस टू बीटा अपॉन अल्फा अब इनको जब आप प्लस करोगे तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बने ताकि हम यहां से ही वैल्यू यहां पे लिख पाएं और ये एक्सप्रेशंस मैंने आपको करा रखी हैं टेन क्वेश्चन जो अल्फा बीटा वाले करा रखे हैं उसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले इन दोनों का जो एल्सियम है अल्फा बीटा आ गया ऊपर से टू कॉमन बाहर ले लो ये अल्फा इधर आ गया अल्फा स्केर और ये बीटा उधर चला गया बीटा स्केयर ठीक है टू कॉमन बाकी इनका एल्सियम इधर बीटा उधर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की एक्सप्रेशन कैसे सम प्रोडक्ट में चेंज होती है वो भी मैंने आपको सिखा रखा है बस वो फॉमुला आपको यहाँ पे लगा देना है क्या होता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर सर ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा ऐसे इसको ब्रैकेट में रखना टू बाहर है डिवाइड बाय अल्फा बीटा तो देखिए हमने जब इन दोनों जीरोस को मैं प्लस कर रहा हूँ उसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने इस तरह से कर दी है कि इसके अंदर सम और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है बस यहां पर आप वैल्यूज डाल दीजिए ये वाली वैल्यूज डाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हमारा जीरो है अल्फा प्लस बीटा हमारा जीरो है और अल्फा बीटा माइनस वन है डालो इसमें वैल्यू अल्फा प्लस बीटा जीरो है जीरो का स्केल यह है हमारे पास माइनस वन प्रोडक्ट डिवाइड में माइनस वन टोटल कैलकुलेशन करेंगे ये जीरो जाएगा टू प्लस टू माइनस टू माइनस ये प्लस uh, हो जाएगा टू टू टूजा फोर कुल मिलाकर माइनस फोर आएगा ठीक है ये नीचे वाला माइनस हमने ऊपर लिख लिया ऊपर सारी टर्म प्लस से हो जाएंगे प्लस टू टू डूजा फोर माइनस तो दिस इज अ सम ऑफ जीरोस ऑफ जीरो माइनस फोर इन दोनों का सम आ गया अभी हमको प्रोडक्ट करना है इनके जीरो का देखो यहां पर नाउ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पॉलोमिल जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलमल जिसको हमको फाइंड करना है उसके जीरोज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यह आ टू अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई टू बीटा अपॉन अल्फ़ा अरे ये तो सब कैंसिल हो गया टू टूजा कितना आ गया फोर <laughs> अरे वाह ये तो बात ही बन गई तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है बड़े आसानी से निकल गया इनकी हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ सब कैंसिल हो गया सीधा हमारे पास प्रोडक्ट फोर आ गया अब लिखो लास्ट में रिक्वायर्ड पोलिन क्या है फॉर्मूला मेरे बेटे k है एक्स स्केयर है सम एंड प्रोडक्ट है मैं यहाँ s और p यूज़ कर रहा हूँ आपको एग्जाम में लिखना है सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलमल p के जगह लिखना है सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलमल मेरे बच्चे बताइए सम का वैल्यू कितना निकला है माइनस फोर जब माइनस फोर डालेंगे प्लस हो जाएगा p का वैल्यू कितना निकला है फोर यहाँ पर फोर डालेंगे k इज एनी रियल नंबर दैट यू कैन राइट दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलमल तो मेरे बच्चे ये थे आज के सेवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और प्रीवियस मैंने लेक्चर्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए वो सारे प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड एग्जाम में एन के दो एक्सरसाइज और जितने लेक्चर्स मैंने एक्स्ट्रा करवाए उससे काम बन जाएगा आपका पॉल नंबर ठीक है तो अभी के लिए इतने बच्चे थैंक यू वेरी मच बाय बाय एंड टेक केयर